और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली समझने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। हम लोगों ने जैसे सुना होता है कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ए निगेटिव है ना, तो ये वास्तविकता में होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो में हम ये भी समझेंगे लास्ट में कि एक डिजीज हो जाता है जैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फिटलोसिस, ये सब चीज़ें क्या होती है, इस वीडियो के आखिरी में हम वो चीज़ देखेंगे। फाइनली हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आरएच ब्लड ग्रुप, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का खोज किया। एबीओ सिस्टम, ठीक ना, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिस्कवरी किया। देखिए जैसे एबीओ, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो कहीं कहीं पे ए पॉजिटिव होता है और एक ए निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव जो है वो आरएच सिस्टम के थ्रू आता है ना, आरएच। तो आरएच सिस्टम के हिसाब से पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन आता है। ध्यान रखिएगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का जो खोज किया था वो कार्ल लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में स्टडी करना शुरू करते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक था, इस चीज़ को याद रखिएगा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिस्कवरी। अब जैसे देखिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मान लिया किसी का ब्लड ग्रुप ए है, कितने तरह का ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो सकता है, तो ध्यान रखिए पहले तो ये समझते हैं, एक ए हो सकता है, एक बी हो सकता है, एक ए बी हो सकता है और दूसरा ओ हो सकता है। सबका मीनिंग अलग अलग होता है, ए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा ए निगेटिव हो जाएगा, बी निगेटिव हो जाएगा, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। क्लियर, ध्यान से एक चीज़ को हमें समझना है कि वास्तविकता में ए कब होगा, बी कब होगा और ए बी कब होगा और ये ओ कब होगा, ठीक ना। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, देखते रहिए आप, बस समझिए ध्यान से। अब हम लोग बात करते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, किसी का ब्लड ग्रुप ए है इसका वास्तविकता में मीनिंग क्या होता है। चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं। ध्यान रखिए कि ब्लड जो होता है उसमें आरबीसी होता है, है ना, इसके अलावा भी बहुत सारा कंपोनेंट होता है, लेकिन आरबीसी के सरफेस पे मान लिया ये है आरबीसी, ये एक आरबीसी है और आरबीसी के सरफेस पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, है ना, उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं एंटीजन। क्लियर, तो इसके सरफेस पे अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, अब ये हम केवल साइन से डिनोट करने के लिए बना रहे हैं कि ऐसा एंटीजन ए को डिनोट करेगा, ये एंटीजन ए का साइन है, तो जिसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, ध्यान रखिएगा, जिसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। क्लियर, चलिए अब दूसरी बारी में बात करते हैं कि वास्तविकता में ब्लड ग्रुप बी क्या होता है, तो ये है बी ब्लड ग्रुप, इसको यहाँ पे बनाना ठीक रहेगा, ए समझ चुके हैं और मान लेते हैं ये है बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति और ये है उसका आरबीसी और उसके आरबीसी पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो बी को हम किसी दूसरा शेप से बना सकते हैं, ऐसा शेप से। क्लियर, तो ये जो व्यक्ति होगा ना, इसके शरीर में जितना भी आरबीसी होगा सबके ऊपर ये बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। अब तीसरा कंडीशन आता है कि जिस व्यक्ति का आरबीसी, मान लीजिए तीसरा नंबर पे ए बी वाला व्यक्ति है, है ना, और ये है उसका आरबीसी, तो इसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, ए की बी, तो यहाँ पर बात आती है इसके अंदर सारा प्रेजेंट रहेगा, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, जब दोनों साथ साथ होंगे तो उसके ब्लड ग्रुप को हम लोग कहेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी है। क्लियर, ये ए एंटीजन और साथ में इसमें बी था, ये चीज़ समझ में आ गया, ये कहलाएगा ब्लड ग्रुप ए, ये कहलाएगा ब्लड ग्रुप बी और ये कहलाएगा ब्लड ग्रुप ए बी, और तीसरा कंडीशन में एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसके अंदर ओ होगा, एक्चुअली बायोलॉजी में ओ का मतलब जीरो, जीरो कह सकते हैं, तो देखिए इसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो जब कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है तो ये हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, है ना, जब ए एंटीजन प्रेजेंट रहता है तो वो होता है ए ब्लड ग्रुप, जब बी एंटीजन प्रेजेंट रहता है तो उसे होता है, उसे कहते हैं हम लोग बी ब्लड ग्रुप, और जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, ये चीज़ समझ में आया।
काफ़ी आसान है, वैसा व्यक्ति जिसके ब्लड के अंदर आरबीसी पे केवल ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसे ब्लड ग्रुप ए कहेंगे, और जिस व्यक्ति के आरबीसी में ब्लड में जो आरबीसी रहता है उसके अंदर केवल बी रहेगा एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक वास्तविकता में प्रोटीन होता है जो आरबीसी के सरफेस पर रहता है, तो बी वाला एंटीजन केवल रहेगा तो उसे हम ब्लड ग्रुप बी कहेंगे, लेकिन ए और बी दोनों रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप वाला आदमी, या ए बी ब्लड ग्रुप वाला आदमी ही होगा, ठीक ना। और वैसा व्यक्ति जिसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे ओ। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें और वास्तविकता में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका ब्लड जो भी होगा इसके ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबी है ना, एंटीबी मतलब होगा एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहेगा। ए के अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहेगा, बी के अंदर एंटी ए प्रेजेंट रहेगा, एंटी ए, क्लियर, एंटी ए प्रेजेंट मतलब एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। इसके अंदर कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसके अंदर नो एंटीबॉडी, इसके अंदर एंटी ए और एंटी बी, मतलब एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाया जाएगा ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ये ब्लड ग्रुप ओ की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी एंटी बी होता है, क्लियर। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीजन बी होगा, और देखिए जिसका ब्लड ग्रुप बी रहता है उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट होता है और उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहता है उसके आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ऐसा आदमी के ब्लड के प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है जिसकी वजह से एंटीबॉडी ए और बी दोनों इसके आरबीसी के प्लाज्मा के अंदर पाया जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसका एक शॉर्ट में हम बना लेते हैं इसका टेबल, है ना, एक छोटा सा टेबल हम लोग तैयार करते हैं, उस टेबल में हम लोग सारी डेटा को लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहला नंबर पर होगा ब्लड ग्रुप, यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखते हैं, उसके बाद हम लोग नंबर टू पे लिखेंगे एंटीजन, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंटीबॉडी। हम लोगों को पता है चार तरह का ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप लास्ट में ओ। तो देखिए एंटीजन ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए रहता है, है ना, तो ध्यान रखिएगा ए है ब्लड ग्रुप तो एंटीजन ए रहेगा, और इसमें एंटी बी होगा, एंटी बी, एंटी बी का मतलब हुआ एंटीबॉडी, क्लियर, एंटीबॉडी बी होगा, क्लियर। तो वैसा व्यक्ति जिसका जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होता है। दूसरे नंबर पे बी है तो इसमें एंटीजन बी तो रहेगा बट इसके अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल स्मॉल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आप लिख सकते हैं। इसके अंदर देखिए एंटीजन ए एंड बी बोथ रहेगा, क्लियर, लेकिन इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। तीसरी बात, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है जिसकी वजह से, तो ये ओ है और इसके अंदर दोनों एंटी ए एंड बी दोनों प्रेजेंट रहता है। बातें समझ में आ चुकी है? चलिए ये चार्ट को आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग ये बात करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है, मतलब डोनर कौन हो सकता है, रेसिपिएंट कौन हो सकता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग काफ़ी आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इधर लिख लेते हैं डोनर, क्लियर, और इधर लिख लेते हैं हम लोग रेसिपिएंट, डोनर रेसिपिएंट, रिसीवर मतलब जो ब्लड को रिसीव करेगा, आर ई सी आई ई एन रेसिपिएंट, आर ई सी ई पी आई ई एन टी,
चलिए ठीक ना, रेसिपिएंट मतलब इसका भी तो कोई ना कोई ब्लड ग्रुप होगा और इसका भी कोई ना कोई ब्लड ग्रुप होगा, तो इधर चार बना लेते हैं, ए बी ए बी और ओ, इधर भी चार बना लेते हैं, ए बी ए बी और ओ। तो ध्यान रखिएगा, अगर रेसिपिएंट मतलब इन लोगों को ब्लड की आवश्यकता होगी तो वो किन किन से ब्लड ले सकता है, ये चीज़ समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें ए जो है ए को आसानी से ब्लड ग्रुप दे देगा, और दूसरी बात ये ए बी को भी डोनेट कर सकता है, मतलब ब्लड ग्रुप ए ए को देगा और ए बी को देगा। दूसरी बारी में बात करेंगे बी किसको दे सकता है, तो बी आसानी से दे देगा, बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये ए बी को भी आसानी से डोनेट कर देगा। तीसरा बात, ये ओ को नहीं दे सकता और ए को भी नहीं दे सकता है, क्लियर। तीसरा बात करते हैं ए बी की को कि ए बी किसको दे सकता है, तो ए बी केवल ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं। चौथा बात करते हैं कि ओ किसको दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा ओ तो ओ को देगा ही, प्लस में ओ ए बी को भी देगा, ओ बी को भी देगा और ओ ए को भी देगा। कहने का मतलब ओ जो है वो सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। कौन? ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होता है। और यहाँ पर बात करते हैं कि ए बी क्या है, तो देखिए ए बी ए से भी रिसीव किया है, बी से भी रिसीव किया है, ए बी से भी रिसीव किया है और ओ से भी, मतलब सबसे रिसीव कर लिया, तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, आर ई सी ई पी आई ई एन टी, क्लियर, आर ई सी ई पी आई ई एन टी, रेसिपिएंट मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। मतलब देखिए काफ़ी सिंपल है, ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए और ए बी को दे सकता है, बी वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी और ए बी को दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति केवल ए बी को दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति सारे को दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। कहने का मतलब इतना हुआ कि ब्लड ग्रुप ओ सभी को डोनेट किया जा सकता है, बट ब्लड ग्रुप ए बी सभी से ले सकता है। ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर और ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब हम लोग इसके जस्ट आगे बात करते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव का फंडा क्या है, कृपया करके इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग समझने वाले हैं कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। चलिए ध्यान से चीज को समझिएगा, है ना, ये ब्लड ग्रुप का जो खोज हुआ था सबसे पहले रीसस मंकी में हुआ था। एक मंकी की प्रजाति होती है जिसे हम लोग कहते हैं रीसस मंकी। तो सबसे पहली बार जो ब्लड ग्रुप आरएच खोजा गया था, है ना, वो रीसस मंकी में था, डिस्कवर्ड फ्रॉम रीसस मंकी। तो वहीं से ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आरएच वर्ड का। तो आरएच कहां से आया, समझ में आ गया, रीसस मंकी। देखिए काफी आसान है, आरएच एंटीजन की वजह से आरएच ब्लड ग्रुप होता है, आरएच एंटीजन की वजह से आरएच ब्लड ग्रुप होता है। तो दो ही तरह का इसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, या तो है या तो नहीं है, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें आरएच मतलब प्रेजेंट होगा, और एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो एक्चुअली आरएच एंटीजन को हम लोग यहाँ पर, है ना, जब स्टडी करते हैं डिटेल में, तो एंटीजन डी कहते हैं, एंटीजन, है ना, डी कहते हैं इसको। तो एंटीजन डी जिसमें प्रेजेंट है वो पॉजिटिव होगा, जिसमें एंटीजन डी एब्सेंट है वो निगेटिव होगा। मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, साथ साथ में एंटीजन डी भी उसके आरबीसी पे प्रेजेंट है, तो ये ए पॉजिटिव होगा, है ना। अगर कोई ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति है और साथ साथ में उसमें एंटीजन डी प्रेजेंट है, यानी कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो बी पॉजिटिव होगा, और नहीं है तो बी निगेटिव होगा, ए वाले के पास नहीं है तो ए निगेटिव होगा। तीसरी बात करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति में ये आरएच एंटीजन, दैट इज एंटीजन डी प्रेजेंट है, तो ए बी पॉजिटिव, नहीं है तो ए बी निगेटिव। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, बट वो डी प्रेजेंट है, तो ए ओ पॉजिटिव होगा, और दूसरा कंडीशन में अगर नहीं है ये, तो ओ निगेटिव होगा। बातें समझ में आ चुकी है? तो इस तरह से हम लोग समझते हैं आठ तरह का ब्लड ग्रुप। मान लेते हैं जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब हमारे ब्लड के अंदर दो तरह का एंटीजन होगा, एक एंटीजन डी और दूसरा एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप ए है।
भारत के अंदर जितना आबादी है उसमें से मैक्सिमम लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा बी पॉजिटिव है, क्लियर। और मैक्सिमम लोगों में हमको पॉजिटिव देखने को मिलता है, नेगेटिव काफ़ी लोगों में कम देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है इंडिया के अंदर ब्लड ग्रुप वो बी पॉजिटिव है। चलिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव का खेल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब हम लास्ट में बोले थे कि एक लास्ट में शुरुआत में हमने बोला मतलब बताया था कि लास्ट में एक बीमारी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलोसिस। तो वो क्या होता है इस चीज़ को समझिए। जैसे देखिए दो कपल है ना, एक कपल है उसमें जो लेडी है वो आरएच नेगेटिव ब्लड वाला है और जो पुरुष है वो आरएच पॉजिटिव वाला है, मतलब कि लेडी और इधर मैन, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है और ये नेगेटिव, सॉरी लेडी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्लियर। इन दोनों में मैरिज हुआ और मैरिज होने के बाद इसका बच्चा हुआ, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि आरएच एंटीजन में ये वाला जो सिस्टम होता है आरएच पॉजिटिव वो डोमिनेंट होता है और आरएच नेगेटिव रेसेसिव होता है, इसीलिए आने वाला जो चाइल्ड होगा उस पर ये डोमिनेट कर जाएगा और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब अगर ये ए है और ये भी ए है तो इसका बच्चा ए पॉजिटिव होगा, ये चीज़ समझ में आया। चलिए अब हम लोग इसके थोड़ा सा डीप में चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। एक्चुअली होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि जब मेल और फीमेल आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे उसका जो चाइल्ड होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान यही सिचुएशन होगा तो क्या होगा, उसका जो चाइल्ड होता है वो ए पॉजिटिव से हो रहा है, क्लियर। और देखिए एक्चुअली होता कुछ ऐसा है कि मदर के बॉडी में जब यूट्रस में बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसमें मदर का ब्लड सेपरेट रहता है और बच्चे का ब्लड सेपरेट कर रहता है, ऐसा कहते हैं ना कि एक ही खून है, वास्तविकता में एक खून नहीं होता है, ब्लड के अंदर अपना ब्लड होता है, सॉरी फ्यूटस के अंदर अपना ब्लड होता है, बच्चे के अंदर अपना ब्लड होता है और मदर का ब्लड अलग होता है, सेपरेट होता है। अब इस चीज़ को समझिए ध्यान से कि होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के दौरान है ना, इस बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड से अगर थोड़ा सा भी मिक्सअप हो गया, क्लियर, एक्चुअली मदर के बॉडी के अंदर आरएच नेगेटिव था, मतलब आरएच एंटीजन वहाँ पे नहीं था, एंटीजन डी प्रेजेंट नहीं था, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये बच्चा जब डिलीवरी होगा है ना, तो मदर के ब्लड से अगर ये ब्लड कॉन्टैक्ट में आ गया तो मदर का शरीर जो है, उसका बॉडी जो है, उसका इम्यून सिस्टम जो है, उस चीज़ को पहचान जाएगा कि यहाँ पर कोई ऐसा फैक्टर आया था और मदर के बॉडी में ऐसा एंटीजन बन जाएगा, इसके अगेंस्ट में मदर के बॉडी में, इस एंटीजन के अगेंस्ट में मदर के बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगा, क्लियर। चलिए पहला डिलीवरी था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, मदर के बॉडी के अंदर ऐसा बना हुआ रह गया, लेकिन सेकंड डिलीवरी के दौरान क्या होगा, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान जब दूसरा प्रेगनेंसी ठहरेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर ये एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट में जो मदर बॉडी में एंटीबॉडी था है ना, वो अगर प्लासेंटा को क्रॉस कर गया तो ये प्लासेंटा को जैसे ही क्रॉस करेगा और यहाँ तक आएगा दूसरे प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसी के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी तैयार था और ये बच्चे के अंदर जाएगा तो एक दूसरे को है ना ख़त्म कर देगा, कोगुलेट करके ख़राब हो जाएगा है ना, और जिसकी वजह से इस बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो 2-3 महीने के अंदर एबॉर्शन भी हो जाता है, या किसी किसी कंडीशन में अगर बच्चा पूरा डेवलप होकर डिलीवरी भी हो गया तो उस कंडीशन में बहुत सारा प्रॉब्लम से जूझ सकता है, उसको ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है उस कंडीशन में उस व्यक्ति के बच्चे को, क्लियर। लेकिन आजकल डॉक्टर समझदार होते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी, एंटी आरएच है ना, पहले ही मदर के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि होता कुछ ऐसा है कि मदर के बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट में जो भी एंटीबॉडी बना रहता है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है और बाद बाकी उसके इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता है कि वास्तविकता में कुछ हुआ भी था, क्या हुआ था कुछ पता भी नहीं चलता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई है ना, बहुत सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाना है तो वहाँ पे आरएच एंटीजन भी चेक किया जाता है, अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला को ही चढ़ाएगा, नेगेटिव वाला को नहीं चढ़ा सकता है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना होता है उसको, पॉजिटिव नेगेटिव देख के ब्लड ग्रुप को ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलोसिस, कहाँ पे लिखे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलोसिस,
क्लियर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और हम आपसे लेते हैं विदा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के दौरान। आपको रहेगा अगले वीडियो का इंतजार। फाइनली बाय बाय, थैंक यू।